Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your Didumar 46. So guys, बहुत लोग बार 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 बोले जा रहे हैं, दीदी भूत का व्लॉग बनाओ, भूत का व्लॉग बनाओ. मैं ही भूत लग रहा हूँ. सो चलो कोई नहीं, ये हंसी की बात नहीं है. कल लाइव जा रही थी इंस्टा पे, तब भी हमारे यहाँ पे नए किराएदार हैं, उनको भी भूत दिख गया है. चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. देखो, भूत भूत की बात नहीं है, ये एक आत्मा है जो भटक रही है. ठीक है भाई, मेरे को डर लगता है कहीं व्लॉग बनाओ कल मेरे हाथ में छाती पे आके बैठ जाए भाई. मेरे को डर लग रहा है, फिर भी कोई नहीं, मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैं इतना भी खतरा ले लूंगी, कोई बात नहीं. मुझे अपने भगवान पे भरोसा है, मैंने तावीज भी बना रखी है और मैंने घर पे भी पूरा तावीज लगा रखी है, तब से मेरे को कोई तंग नहीं है. फिर भी स्टार्ट करते हैं, चलो. सो पहले दिन था जो हमने यहाँ पे नीचे वाला रूम 4,500 जो मैंने लिया था, तब हमने रूम जब शिफ्ट किया तभी हमें नीचे नए नए दूसरे लोग थे जो रूम रेंट पे थे ना, जो पहले वाली मेरी मेड थी उनको बोल रहे थे क्यों शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पे रात को आवाज़ें आती है, हम भी छोड़ने वाले हैं यहाँ से घर. हमने भी देखा है, हमने ऐसा फील किया है, महसूस हुआ है, तो आप लोग क्यों यहाँ पे हो. मैंने तो मेरी मैम ने बताया था कि मैं नहीं, हमारी दीदी रहने वाली है यहाँ पे. तो मैं जब आई, मेरा मासी और मैं आए थे, है ना, तो मासी थी ना, मासी और मैं थे, और मासी और मैंने तो स्टार्टिंग के टाइम ऐसा कुछ महसूस नहीं किया. मे बी 10-15 दिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ. 15-20 दिन होगा. हाँ, या ऐसा दिन में मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ. नॉर्मल हमें आवाजें आती थी जैसे कि कोई आ रहा है जा रहा है, तब ये वाले रूम पे 5-6 लड़के थे मुसाफिर मतलब यही एमटी में जॉब करते हैं वो लोग भी, कैफे वगैरह में. तो वो लोग ने यहाँ पे रहते थे, तो मैंने सोचा रात को आते जाते होंगे, इनके पैरों का आवाज है, नीचे का दरवाजा का गेट का आवाज आता है तो उनका होगा, ये हमने ये सोचा था. ठीक है, कभी भी आता था रात को आवाज, तो हमने सोचा ऐसे ही होगा. तो एक दिन हम दोनों की लड़ाई हो गई थी, बहुत बुरा है ना, तो लड़ाई हो गई तो ये रात को चला गया, बाहर चला गया. सुबह तक तो आया ना, ये गया तो आना सुबह तक ही बाद ही है. ठीक है, तो आया नहीं. तो मैं रात को बैठी थी, मेरा कूलर जो है मैं दरवाजे के पास लगाया हुआ था, तो तब गर्मी के टाइम था है ना, कूलर लगाया हुआ था दरवाजे के पास में. यहाँ पे बिल्ली बहुत आती है, 4-5 नमूने की, वाइट ब्लैक और फुल ब्लैक, येलो वाइट, ऐसा क्रीम कलर की बहुत सारी बिल्ली आती रहती है यहाँ पे. फुल ब्लैक में भी आता है? फुल ब्लैक में तो खतरनाक है, मैं वो वीडियो डालूंगी, देखना जरूर. ठीक है, उसका मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था, मैं डालूंगी वो भी देखना. वो सब बिल्लियां ऐसी घूर के देखती है ना भाई, जैसे कि उनकी आँख में कुछ है, ऐसा लगता है मेरे को, तो ऐसे फील होता है मेरे को, फील होता है ये बिल्लियों से और ये घर से कुछ रिश्ता है. क्योंकि ये बिल्लियाँ इसलिए यहाँ आती है क्योंकि उन लोगों ने पहले खाना देता होगा ना यहाँ पे, है ना, तो बिल्लियों को खाना देता होगा तो यहाँ पे जो रहते थे, तो इसलिए वो आती होगी. जो कि पुराने टाइम पे यहाँ पे पुराना यहाँ पे एक मर्डर हुआ था, यहाँ पे दो नेपाली लड़कियां थी, उनका उनके बीच में झगड़ा, उनके बीच में हमें ज्यादा नहीं पता, हम वो नहीं बोलेंगे, हमें बस इतना पता था यहाँ पे एक मर्डर हुआ था, दो नेपाली लड़की थी, वो लोग अपने झगड़े में मर्डर हो गया है. एक लड़की अभी जेल में है और जो है अभी एक मरी हुई है. जो मरी थी यही मेरे ये रूम में ही यहाँ पे गिरी हुई थी, क्योंकि हमने फोटोज देखा था, है ना, फोटोज देखा था हमने, हमें किसी ने सेंड किया था तो हमने देखा था फोटोज. बस मैं नहीं जानती, मैंने उसे जिंदगी में कभी नहीं देखा, ना वो मारने वाली को ना मरने वाली को, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा मैंने उनको, मगर इसने देखा है. तुमने किसको देखा था? क्या? किसको देखा था तुमने वो दोनों लड़की में? एक को जानता हूँ जो जेल में, अच्छा सपना को ये जानता है, वो उनका नाम सपना था, उनको वो जानता है. ठीक है, मैं नहीं जानती, मैंने कभी देखा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं कौन है, क्या है, कैसा है, मुझे नहीं पता. बट जब मैं घर शिफ्ट हुआ बाद में मैंने अंकल को बोला ऐसा कुछ है, अंकल ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हमने पूरा पूजा वूजा करवा रखी है, घर पूरा साफ सफाई से सब हो रखा है, बोला ठीक है.
उसके बाद ये रूम वो लड़के लोग ने ये रूम छोड़ दिया, क्योंकि नीचे वाला हमें रूम बहुत छोटा पड़ रहा था, बाथरूम के पास ही हमारा बेड था, पूरा पानी आना और बहुत, क्योंकि पूरा छोटा रूम था ना, ना कूलर रखने की जगह थी, ना हमें सोने की जगह ढंग का था, ना हमारे किचन का सामान रखने का ढंग का था, हमें ये बहुत ये हो रहा था। और नहाने का पानी पूरा ना बाहर आता था, जैसे कि हमने बेड लगा रखी है, हमारा बेड ही गीला हो जाता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऊपर वाले रूम पे शिफ्ट करूँ। मैंने ओनर को बोला था, वो 7,000 बता रहे थे, मैंने बोला 6,000 दे पाएंगे, और अभी हमारा काम भी उतना नहीं चल रहा है, 6,000 देंगे, नीचे का 4,500 था ही हमारा किराया। तो पहले मैंने जब नीचे थी ना, नीचे के टाइम पे जिस दिन रात को झगड़ा हो गया, ये बाहर चला गया, रात को मैं मस्त कूलर लगा के, दोनों फोन मेरे पास में था, ये फोन में मैं गाना चला रही थी, मैं कार्टून्स देखती हूँ फेसबुक में, वो कार्टून्स लगा रखा था, एक में मैं गेम खेल रही थी, और मतलब उदास से बैठी हुई थी, दारू पीते पीते, दारू पी रही थी मैं, खुली सी बात, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं दारू पी रही थी, ठीक है, दारू पीते पीते बैठी थी, एकदम यार कूलर हवा, मेरा उतना कूलर हवा नहीं देता है ना, तो यार इतनी गर्मी हो रहा, मैं बनियान में बैठी थी, हाफ जो बनियान होता है वो उसमें बैठी थी, पैंट पहन के, तो एकदम से किट 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 आवाज़ आने लगी, तो मैंने ऐसे करके देखा तो बिल्ली थी, ठीक, मैंने जो बिल्ली है कोई नहीं, वो ऐसे ही आती जाती रहती है, क्योंकि डेली देखती थी मैं उसको, तो कोई बात नहीं, रहन दिया। फिर देखने लग गई मैं कार्टून ऐसे, फिर एकदम बिल्ली फिर देखने लगी, वो जा ही नहीं रही, मेरे को घूर ही रही थी। फिर ऐसे ऊपर किया मैंने कूलर पे, जैसे कि सच में एक मूवी का सीन नहीं होता वैसे, आंखें जब नीचे से यूं ऊपर जाती नहीं है, मेरी आंखें ऐसी ही गई थी, मैं कूलर कूलर को देखते थे, बिल्ली को देखते देखते यूं करके यूं आंखें करी, भाई सामने ही खड़ी थी इतनी बुरी तरह मेरे सामने, मैं उसको कभी नहीं देखा हूँ, मैं इंसान हूँ तो पहचान भी लू ना उसको कि मगर क्या बोलते मेरी आंखों में आ गया यार ऐसे बोलने में ना, ऐसे फील कर रही हूँ मैं कसम से, उस दिन वाला वक्त मैं फील कर रहा हूँ, मैं फील नहीं करना चाहती हूँ भाई, वो एकदम आंखों में आ गई, मैं ऐसे शॉक हो गई थी, मैं ऐसी थी, मैं भाई मैं क्या हो रहा समझ नहीं आ रहा, यहाँ से तो रास्ते ही बंद है, मैं कहाँ जाऊँ, पीछे बालकनी किसी को चिल्लाऊं, जब बालकनी भाग रही थी, पीछे बाथरूम के पीछे ही हमारा बालकनी है, यहाँ भाग रही थी, यहाँ आ गई थी बाथरूम के दरवाजे पे भाई, फिर मैं यहाँ से भागा, कूलर मैंने ऐसे ही हटा दिया, रूम खुला ही छोड़ दिया मैंने, रूम खुला ही छोड़, रात का वक्त है, रूम खुला ही छोड़ दिया, नीचे उतर गई मैं सीधा, नीचे उतर के देखा कोई नहीं था नीचे, शायद वो लोग बाहर गए थे, कोई नहीं था, और जो मेरे नीचे एक जिसकी हमने मदद भी करी थी, वीडियो बनाई थी हमने, जो संतोष थी उनका पति, दो बच्चे नहीं थे जिनकी हमारे एक सब्सक्राइबर ने किराया वगैरह पे मदद किया था, वो लोग नीचे थे, तो वो लोग भी बाहर गए हुए थे शायद, कोई नहीं था, घर पूरा खाली, मैं अकेला पड़ा हूँ। फिर मैं नीचे निकल गई दुकान के पास, मैं उधर बोलने लगी कहाँ गया यार, क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा किसको बोलूँ। फिर मैंने अपनी वो पुरानी वाली मेट को फोन करा, दीदी कहाँ पे हो यार, घर आ जाओ, दीदी मैं तो बाहर हूँ, बोला मैंने, आ जाओ यार दीदी, ऐसे मत करो, आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने ऐसे देखा, हाँ बोला, मैं अपने बेटों को भेज दूंगी, मैंने ठीक है, उनके बेटों को भेज दिया, बेटो बोला दीदी अभी आप कैसे भी रह लो, सुबह हम आपके लिए दूसरा घर ढूंढेंगे, बोला मैंने, अभी चलो ना अभी घर ढूंढते, दीदी शाम का टाइम अभी कहाँ मिलेगा घर, अभी पता भी नहीं है कैसे घर, मैं तो घर चेंज करने पे ही थी। फिर सुबह सुबह तक मैं सोई नहीं, मैं नीचे ही बैठी थी अपने सीढ़ियों पे, लोग पूछने लगे क्या, कुछ नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि भाई वो लोग भी डर के घर ना छोड़े, तो मेरे को ऐसा लगा डर डर ना जाए, बच्चे है ना उनके, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं छू भारी बैठे दारू ले आया, फिर दारू कोटर मंगाई मैंने, फिर भारी सीढ़ियों पे पीते बैठ गई, मैं पीते बैठ गई। फिर बाद में सुबह पूरा जगह घर ढूंढा मैं, वो लड़के आए बेचारे, उन लोग आए, दीदी भी आ गई, दीदी भी घर साफ सफाई कर रही थी, क्योंकि कूलर ऐसे ही मैंने धक्का देके फेंक दिया, दीदी आ गई साफ सफाई कर रही थी। फिर मैं घर ढूंढने गई, 2-3 घंटा पूरा घर ढूंढा, घर पूरा महंगा ही मिल रहा था, और कहीं कहीं बहुत फ्रीडम नहीं, जैसा ये टाइम पे आना चाहिए टाइम पे नहीं, ऐसा मैंने। फिर बाद में मम्मा को बात किया मैंने, मम्मा ऐसा ऐसा है, आने बोला डरो मत, जितना डरोगे वो डराएगी, कुछ नहीं होगा या घर चेंज कर लो या कुछ और कर लो। फिर मैं अजीत भाई को फ़ोन किया, अजीत भाई थोड़ा ये सब में है ना मदद करने में, अजीत भाई ने बोला हाँ वहाँ तो है, वो तो रहेगी,
क्योंकि भाई बहुत तड़प तड़प के मरी है शायद वो। और उसका कोई, हमारे में बोलते हैं ना मरने के बाद पूजा होना चाहिए आत्मा की शांति के लिए, तो उसका फैमिली मेंबर कोई होगा नहीं, उसके आत्मा शांति के लिए कुछ हुआ नहीं होगा ना, तो इसलिए वो बेचारी यही भटक रही है। तो वहीं पे इतना मेरे को डर लग गया था, फिर भी मैंने सोचा यार मैंने कुछ भी हो अब मैं रह लूंगी। मैंने ठेंगा लेके डेली पूरा रात को पूजा करके बैठती थी। हाँ सही है भाई, सही है। बोलो बोलो। तूने डरा नहीं भाई? बात करते करते तो ऊपर से एक लड़का चला गया, हमारे ओनर का बेटा, तो मेरी बात करते जान निकल गई मेरी। चलो पागल हंसो मत, तुम्हारी भी बारी आएगी रुकना। तो ऐसे हुआ, तो क्या था क्या भूल गई। तो ऐसे होने के बाद अभी फिर मैंने दूसरी बार, पहली बार मैंने कितना भी कंट्रोल करके रहा, मैं बाद में ये भी आ गया था तो मैंने इसको बोला, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो देखा नहीं अभी तक, तूने देखा है ये वगैरह वगैरह बोलने लगा, तो इसको भरोसा ही नहीं था मेरे पे। तो मैंने चलो कोई नहीं, अब मैं ऐसे ही रहने लग गई। फिर हम दोनों अच्छे से रहने लग गए। फिर एक बार ये तू भी था ना, जब मैं घूर ही रही थी दरवाजे पे उस टाइम पे, तब भी आ गई भाई, छाती पे खड़ी रह रही है, ये बंदे को नहीं दिख रही सिर्फ मुझे ही दिख रही है। मतलब मेरा रिश्ता क्या है उससे मुझे समझ नहीं आ रहा, जो मुझे ही क्यों दिख रही है, मैं बोल रहा हूँ देख खड़ी है। उस दिन क्या किया पता है, मैं उस दिन नशे में पिया नहा के सो नहीं गई थी सीधा, मैं खाना भी नहीं खाया था, मैं सो के खाना खा के सोई थी मैं शायद उस दिन। मैंने इससे लड़ाई भी नहीं की, लड़ाई शुरू हो ही थी हमारी, कुछ बातों में लड़ाई शुरू हुई थी, मैंने लड़ाई भी नहीं करी। वो देखने के बाद ना सीधा नहाई, नहा के सीधा आके खाना खा के सो गई मैं। तो ये भी हैरान हो गया था कि उसने बोला रात को क्या हो गया था तेरे को, बोला नहीं तुझे सुबह मेरे को, बोल ना थोड़ा तू कुछ। उस टाइम तो सडनली ये झगड़ा करते करते स्टॉप हो गई है ना, फिर बार बार दरवाजे में घुरे जा रहे थे, घुरे जा रहे। मैंने बोला हुआ क्या है, क्या दरवाजे में घुर रही है। तो फिर उसके बाद इसने क्या किया, मेरे को बोला वहां सामने है कोई देख ले, मैं देख रहा हूँ दिख नहीं रहा मेरे को। फिर ये भी बोल रही है, फिर बोले जा रही है वहां पे देख ले तू। मैं बोला बिल्ली भी खड़ी थी, बिल्ली थी, बिल्ली थी, पर वो नहीं दिख रही थी मेरे को, बिल्ली दिख रहा था, मतलब बिल्ली जो है ना वो दिख रहा था, पर मेन जो है वो नहीं दिख रहा था, लड़की जो है नहीं दिख रही है इसी को दिख रहा था। तो बाद में ये चुपचाप गई बाथरूम, बाथरूम में जाके नहा धो के आई, गर्मी का टाइम था, ठंडा पानी से नहा के आई, फिर बोला खाना डाल दो मैं खाना खाऊंगी। मैंने बोला ठीक है, खाना डाल के दे दिया इसको, खाना खा लिया इसने। फिर मेरे को बोलता दरवाजा बंद कर दो, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उसी दिन में फिर ये सो नहीं रही थी, उस खाना खा रही थी, तब मेरे को एक चीज का आवाज आया चलने का, कोई ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर कर रहा था। तो मैंने सोचा कौन होगा ना, दरवाजा खोल के देखा तो कोई नहीं था, मैंने गाली भी बका था उस टाइम, कौन है मैं माता चौथ भूल गए, मतलब उस टाइम ऐसा गाली दिया था। फिर उसके बाद कोई नहीं दिखा, फिर दोबारा दरवाजा लगाया, इसने बोला चलो सो जाते हैं चुपचाप। फिर मैंने बोला ठीक है भाई तुम सो जाओ। ये सोने लगी, मैं थोड़ा फोन चला के बैठा। उसके अगले दिन फिर नीचे जो संतोष बोल के जो हमने जिसको मदद किया था, उसका पति ने बोला कि दीदी आपको रात में कुछ महसूस हुआ? तो इसने बोला हाँ। तो उसने भी बोला कि भाई मेरे को भी हुआ। तो मैंने बोला क्या हुआ तेरे को? तो उसने बोला कि मेरे को ना नल में मैं पानी भर रहा था, पीने के लिए बॉटल में पानी भर रहा था, हाथ मेरा पूरा ऐसा करके झटका दिया बोला। मैंने बोला अच्छा बेटा तुम लोग को दिख रहा, मेरे को नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? जिस दिन मेरे को दिखा मैं तो गया कोमा में, मैंने ये भी बोला था, कल भी बोला था और आज मतलब पहले भी बोला था। उसके बाद भी फिर उसको भी 2-3 बार ऐसा हुआ, बाथरूम में धक्का मारना, वो लड़के को ना नीचे जिसको हमने मदद किया था उसको बाथरूम में धक्का मारना, हाथ पकड़ना, ऐसा कर रहा था बोलो। ठीक है, फिर उसके बाद वो उनके साथ यह हादसा होने के बाद कम कर दिया उनको ये करना ना, हादसा वगैरह इनके साथ ये हादसा कम हो गया करना। और हाँ। इसके बाद फिर इसके कम हो गया, फिर मेरा भी कम ऐसे नहीं हुआ। मैं गई थी ड्रोली जी के साथ नहीं, एक मिनट एक मिनट तावीज बनवा के एक मिनट एक मिनट उसके बाद आप लोगों को रियलाइज कराऊंगा, जिस दिन इसका और मेरा झगड़ा हुआ था फर्स्ट, जब रोड में जो झगड़ा हुआ था, हादसा हुआ था,
उसके बाद भी मैं दो या 3 दिन मैं काम घर पे नहीं आया था, इसके साथ नहीं आया था, अकेले बैठी हुई थी। उसके बाद इसके साथ फिर मैं आया, कार्तिक ने हम दोनों को फिर से रिजाइन करवा दिया, तो मैं इसके साथ बैठा हुआ था। तो ये गांव जा रही थी तो मेरे को लेके नहीं जा सकती थी, तो इसने बोला कि तू यही रह ले, मैं जाके आती हूँ गाँव। तो मैंने बोला ठीक है तुम जाके आओ। तो उसके बाद हुआ है, मैं एक हफ्ता बैठ के आया अपने घर, पूरा एक हफ्ता ये घर पे जाके बैठ के आने के बावजूद मैं अकेला बैठा, तब भी मेरे को कोई नहीं दिखाई दिया, कुछ भी नहीं दिख। मैं रात को 2:30, 3:30 ऐसा डेली आता था हफ्ते में, क्योंकि उस टाइम मैं जाता कहीं नहीं था। कार्तिक की दुकान में जाता था, वहाँ बैठता था, रात को 12-1 बजे आता था, फिर कार्तिक के घर पे जाके खाना वाना खा के फिर वापसी आता था मैं। तो ऐसा करते करते एक हफ्ता बिता दिया था। उसके बाद फिर ये आई, ये आने के बाद फिर हम यहाँ ऊपर ये झगड़ा, फिर दोबारा झगड़ा हुआ था हमारा ना, फिर हम ऊपर शिफ्ट हो गए। उस टाइम तो तो मैं उस छोड़ने दिन, नहीं गया हाँ था। तो उस दिन क्या हो गया, मैं आने के बाद तो रूम शिफ्ट हुआ। फिर भी मैंने पहले ही, रूम शिफ्ट होने से पहले ही मैंने जॉली दी पर जाके, हम दोनों मंदिर में जाके हम दोनों ने पूजा वूजा करवाई। करवाने के बाद माँ ने भी पूजा करवाई वहाँ पे, तो तावीज़ बनवा के आई हम लोग। तावीज़ अभी भी है घर पे भी, रूम रूम पे भी लगाया था, फिर यहाँ पे ही लगाया। फिर मेरी माँ ने हमारे में चिगलाई और सांग अमाया, तो और नहीं सांग भी और दिखिलेश अमाया, उनकी मैं पूरा घर में लगा दिया था। डेली मैं ऊद लगा देते, तब से मैंने नहीं देखा, तब से मैंने नहीं देखा। जब से यहाँ ऊपर शिफ्ट होने के बाद मैंने तावीज बनवा दी, तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। कल नीचे वाला एक नया कपल है, लड़की हमारी टिबेटन है और लड़का बिहारी है, वो दोनों कपल है, हस्बैंड वाइफ, मतलब लिविंग में होंगे हमारे नीचे ना, हस्बैंड वाइफ है वो दोनों। तो वो दोनों काम पे जाते हैं सुबह और रात को आ जाते हैं शायद ना दोनों। दोनों तो भी अभी भी कैलसंग रेस्टोरेंट में काम करते। कैसा रेस्टोरेंट में? अच्छा, कैलसंग रेस्टोरेंट में काम करते। बीबी बस बेचारा बस और ज्यादा मत बोलो यार, उनका पूरा नहीं बोलना डिटेल नहीं नहीं वैसे बोलो, नाम थोड़ी ना पता है। नहीं बोलना, नहीं वहां जाके पूछेंगे नहीं क्या हमने बोला है बोल के? पागल है क्या? किसी का एड्रेस नहीं देना ऐसा। तो वो दोनों कहीं पे भी काम करे वो मतलब नहीं है हमें, बस उन हमारे यहाँ नीचे ही रहते हैं। हमने आज तक कभी एक दूसरे से बात नहीं बात की है, नहीं की थी यार। हमारी कोई बात नहीं, क्योंकि हम सुबह काम पे जाते थे रात को आ जाते थे। मैं तो कभी बात भी नहीं किया, शायद ये एक बार किया होगा कुछ, तो मैंने नहीं किया है। तो कल वो आ गए, मैं लाइव जा रही थी इंस्टा पे, तो वो दोनों बोले, भैया ने, वो लड़का ने पूछा मेरे को ना, लड़के ने, दीदी आप यहाँ रहते हो आपको कुछ महसूस नहीं होता? बोला मैंने क्या हो गया, मैं पहले समझ गई, मैं समझ गई क्योंकि मेरे तब साथ हो तो चुका तब है मैं ना। घर में नहीं था, मैं बाहर रुकना, गया हुआ ये था। बाहर था ठीक है, तो मैंने समझ गई थी मैं। तो मैंने बोला क्या, क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया? मैं अनजान बन के पूछ, क्या हो गया? बोल रहा नहीं दीदी यहाँ पे कुछ है, ये घर में कुछ है। मैंने बोला क्या है? नहीं दीदी आपको पता नहीं है, बोला मैं पता है, मैंने देख भी लिया है, मैं महसूस भी कर लिया है, बोला मैंने। हाँ बोला उसने, हाँ। तो बाद में वो लड़की आई उनकी बीवी ना, तो मैंने चिबारे में बात किया उनसे, तो उन्होंने बोला दिल जी यू रे सा नी क्यों गलत नहीं किस गलत नहीं किस सुन सा आ ले नी खास इस लंबा, क्या हो गया मेरे पति को, मेरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मैंने क्या हो गया? नहीं यार जब से यार घर पे शिफ्ट किया है मेरे को मारा है, 2 बार उठा के पटका है मेरे को, लड़के ने बोला हमारे टॉर्चर हुआ, पहले मेरे बीवी पे अटैक हुआ, बाद में मेरे को हुआ। हम तो अब ये घर छोड़ना चाह रहे हैं, हम नहीं रह सकते। रात को आवाज़ें आती है, घर का दरवाज़ा खटखटाता है रात को 2-3 बजे। बोला मैंने, बोला भाई 2-3 बजे दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा खोलना मत, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। रात को दरवाज़ा खटखटाता है और चलने की आवाज़ें आती है, ऐसे होती। मैंने बोला है उनको ना ठीक है, और वो लोग बोला भैया अब तो मैं, ये बाद में ये आया, इसको मैंने बताया कि वो भैया ऐसे बता रहे, तो ये बोल रहा है हाँ। तो ये मुझ पे उतना शायद यकीन नहीं कर रहा हो, ये नीचे जाके कूड़ा फेंकने गया था ये, तब मैं बोलने के बाद इसकी फटी थी, बहुत बुरा फटी थी इसकी, क्योंकि अभी तक उस मैंने बोलने पे शायद इसने भरोसा नहीं रखा होगा दिल पे। तो वो भैया बोला, बोल के मैंने बोला ना, तो ये नीचे जाके उनसे बात किया है। क्या बोला उन्होंने, बेचारे को तो सच में वो उसका तो बेचारे का हवा टाइट हो रखा है कसम से। क्या बोला उसने? उसने उसका ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये जो पार्ट है इस पार्ट में लगा हुआ है चोट उन्होंने ना। क्या बोला तुम्हें? तो मेरे को मैंने जब मैं गया कूड़ा लेके नीचे, तो मैंने सोचा बात कर ही लियो एक बार ना।
तो गया दरवाजा खटखटाया, कौन है, बोल रहा आवाज देना। मैंने बोला जो अभी तुम ऊपर जाके दीदी से बात कर रहे थे ना, वो दीदी का पति हूँ मैं, बोला। अच्छा भैया एक मिनट में दरवाजा खोल रहा। मैंने पूछा फिर क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो वो बोल रहा था कि मेरे बीबी को अटैक किया था, तो मेरा बीबी के ऊपर अटैक करने के बाद ना उसका बीबी ने ही उसका पहले गला पकड़ा, बोला। फर्स्ट टाइम जब ये अटैक हुआ था ना, तो उसका बीवी ने नहीं, खुद उसका बीवी ने उसका पति का गला पकड़ा था वो। तो उसने उसको ऐसा लगा कि इसको कुछ बीमार उमार हो गया होगा, इस कारण से उसने मेरा गला पकड़ा। उसने ये हल्के में ले लिया, ठीक है। हल्के में लेने के बाद हुआ क्या, वो होने के बाद 2 दिन बाद फिर उसके साथ ये कांड हुआ। 2 दिन बाद ये कांड हुआ कि वो ना उसको ना एकदम ही गर्मी फील हो रहा था, बोला। उस टाइम गर्मी पूरा गर्मी लग रहा था, बोला। और उसको पेशाब भी बहुत तगड़ी लग रही थी, बोला। पेशाब रात को ना ऐसे करीबन ये 1:30 बजे के आसपास उसको पेशाब भी बहुत तगड़ी लग रही थी, बोला। वो सीधा उठा, उठ के ना वो बाथरूम जाने के लिए चाह रहा था, पर बाथरूम जा नहीं पा रहा। वो बाथरूम जाने चाह रहा था, वो बाथरूम जा नहीं पा रहा क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, दिल में डर बैठा हुआ था, ठीक है। तो उसने बोला कि चल भाई ठीक है, मैं यहीं कर लेता हूँ। तो उसने ना मतलब उस टाइम उसका माइंड अलग ही चल रहा था, तो उसने ना घर की दीवार के पास से मतलब पेशाब करने लग गया, बोल रहा। वो अपने आप ही दिमाग, वो मतलब उसने खुद नहीं किया, वो उससे करवाया गया। करवा रहा है। तो हुआ गया, पहले तो घर के बाहर से दरवाजा खटखटाता था, फिर उसके घर के अंदर ही घुस गया, बोल रहा। वो घर के अंदर कैसा, मतलब ऐसे दीवार के कोने नहीं होता, ऐसा कोने में बैठी हुई थी, बोलो, ठीक है। और वो दीवार पे मूत रहा, अपने घर के दीवार पे मूत रहा था। तो जैसे मूते मूते ना जैसा ऐसा यू टर्न गर्दन को यूं लिया उसने, उसको वहीं दिख गया वो। तो सीधा उठ के उसका रपटा मारा, बोल रहे। सीधा रपटा मारने में वो हिल के ना जाके दीवार पे टकराया। तो उसके बाद उसके भाई भी था साथ में ना, उसका भाई उठ गया। उसके भाई उठने बोला, बोलता क्या हुआ भाई क्या हुआ। फिर उसका भाई के सामने और एक दिया, बोल रहे। भाई के सामने हाँ ऐसा ऐसा बोला है मेरे को, आप है या नहीं पता नहीं, बोला बोला था। है, मार तो लगी हुई, चोट हाँ, दिख रहा है ना, पहले चोट लगा पहले हुआ है। जब पहले जब मार लगा था वो दीवार पे जाके लग गया उसको ना, तो ये पूरा सूझा पड़ा हुआ है बेचारे, हाँ अभी कल तक मेरे को नॉर्मल भी हो यूं गया। यूं करके दिखा रहा, देखो दीदी बोल रहा था मेरे को, दो दिन पहले तो सूझा हुआ था, अभी तो थोड़ा ठीक है भैया, बोल रहा था मेरे को। मैंने और बोला मेरे को भी उसने पूछा, मैंने बोला यही हुआ था उसका, मेरा यही पड़ी हुई थी, वो बोला। तो आपको डर नहीं लगता है, बोला मेरे को पहले स्टार्टिंग में 2 बार दिख चुकी है, अब इसके बाद मैंने पूजा वूजा कराई तब से नहीं दिख रही है मेरे को। और आपका पति का अभी लेट हो गया, आया नहीं, बोला वो यही बाहर गया हुआ व्लॉग बनाने, आ जाएगा, बोला मैंने। आपको बहुत, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, बोला मैंने। मैं स्ट्रांग नहीं, मेरी भी फटी थी तब स्टार्टिंग थी, अब जब से मैंने भाई पूजा कर रखा है, गले में तावीज पहन रखी है, डेली मैं रात को सोने टाइम बोलता हूँ ना, गुरु पे मैं सीती हूँ, मुंह से बोलते 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 ही मैं सो जाता हूँ। मेरी एक आंटी है, उन्होंने बोला था कुछ भी हो तुम नशे में हो तो लाइव मत जाओ, ऐसा मत जाओ, उन्होंने बोला था ना मेरी मम्मा के साथ में बैठ के, जब मैं मुनगुड़ गई थी, उन्होंने मेरे को बहुत बोला था, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो आंटी मेरी मम्मा की दोस्त है, उन्होंने बोला जब भी तकलीफ हो, नींद नहीं आती हो तो उमा बेजा गुरु पे मस्ती हूँ बोलो, तुम्हें नींद भी अच्छी आ जाएगी, सुकून भी रहेगा, मन में शांति रहेगी, बोला मैंने ठीक है। क्योंकि मुझे नींद जल्दी नहीं आती थी ना, जब से बोलने लग गई ना तब से नींद अच्छी आती है मुझे, तो अब 2 दिन हो गया कंटिन्यू, मेरे को सपने में भूत का वही दिखाई दे रहा अब इसकी कल से फटी पड़ी है, जब से वो लड़के ने बोला पड़ा है ना तब से इसकी फटी पड़ी है। है। और ऐसा मैंने अभी ओनर को भी बोला है, ओनर ने बोला तुम किसी गुरुजी को जानती हो तो बात करो, पूरा घर पे मैं पूजा करवाऊंगा, हमारे ओनर बता रहे, अभी सुबह ही बात करी है मैंने। अरे वो फोन में ना मेरा, मैंने तो वॉइस रिकॉर्डिंग सुना दी थी मैं अंकल का, अंकल बोल रहे बेटा मैं क्या करूँ अब, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने अंकल ने मेरे को नीचे भी एक तावीज लगाने बोला था, मैं नीचे लगाया था मगर गायब हो गया, पता नहीं किसने, वो चोरी करने वाले साले वो तावीज तक नहीं छोड़ा, उठा ले गए। तो अंकल ने बोला ऊपर जाली पे लगाओ, अभी तो एक ही है मेरे पास जो मैंने रूम पे लगा रखी, अब ये निकालूंगी तो मुझे डर लगेगा कि मेरे घर पे ना अंदर अटैक आ जाए, तो मैं चाहिए तीन 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 वाला, ट्रायंगल और हाँ ट्रायंगल वाला, वो भाई मैं नहीं निकाल सकती ना, तो भाई मेरे को भी डर लगता है ना, मेरे जब तक घर पे है वो पैर भी नहीं रख सकती भाई। मैंने पहले गुरुजी को बोला था मेरे घर पे ऐसा आत्मा है, ये लगा दो, वो अंदर पैर तक नहीं रखेगी, बोला। तब से भाई मेरे को ये घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अभी तक नहीं हुआ, मुझे कोई भी दिखा नहीं ना महसूस हुआ, कुछ भी नहीं, नींद अच्छी कर रही हूँ मैं। बट एक हमारे अजीत भाई है, उन्होंने भी बोला वो है यहाँ पे, भटक रही है बेचारी, अपना उसके आत्मा को शांति नहीं मिली ना, इसलिए वो जा नहीं पा रही यहाँ से ना,
बट वो नए नए जो भी इंसान आते हैं उस पे अटैक करती है, और दिल जिसका दिल कमजोर मन कमजोर होता है ना, दिल कमजोर होता है उसको ही जल्दी अटैक करती है, बोला ना अजीत भाई ने। तो भाई तू घट रहे स्ट्रांग रहे, या अच्छा अच्छा हो तो तुम घर ही छोड़ दो ये वाला, दूसरा घर देख लो, नहीं तो उन्होंने बोला था कपूर लो, ये क्या बोला था कपूर मिर्ची क्या क्या बोला था उन्होंने, वो करो, तो वो सब मुझे करने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब ना। तो इससे अच्छा वो तुम्हें कुछ जान से मारने वगैरह तो नहीं करेगी, तुम्हें टॉर्चर बहुत करेगी वो, तुम बीमार पड़ जाओगी ऐसे हालत होगा बोला था। तब ऐसे होने लग गया था नीचे वाले में मेरे को, तो इसलिए बेटा इसलिए मैंने ऊपर शिफ्ट करके यहाँ आराम रहने लग गई। वही मैंने पूजा उजा करवा के आराम से नहर लेने लग गई। सो गाइज यही है अभी, और बेचारी वो अभी भी यहाँ है जो हमारे नए, और हाँ और दो किराएदार तो बिना किराए दे भाग गए रात रात वो दो लड़के बेचारे, बोलना तो चाहिए था ना उनको कि अंकल ऐसा है रात को हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ, बोलना। मैं फिर भी यार डर को क्या बोल सकते ना उनको, उन लोगों ने किराया भी मुसाफिर थे नहीं, बेचारा वो मुसाफिर तो। थे वो लोग भी, दो लड़के थे बेचारे नए थे, उनको मोटर चलाना मैंने ही सिखाया था, ऊपर में मोटर चलाओ वगैरह बोल के ना, उनको पता नहीं था पानी नहीं आ रहा है दीदी बोला था मेरे को, तो उसे मैंने मोटर चलाया था उनके लिए, बताया था यहाँ से चला देना ये बोल के ना, और उनका मीटर कौन सा है वो भी बता दिया था मैंने। तो भाई वो लोग एक महीना छोड़ो 10 दिन 15 दिन भी अच्छे से नहीं रहे, 15 नहीं 15-20 दिन, 10-15 दिन बैठे दस हैं पंद्रह दिन ही उतना, उसमें उन लोगों को जैसे उनके बाजू में ही रहते थे जो अभी भैया और अभी जो लड़का कपल जो है ना उनके बाजू में ही रहते थे वो भी ना, वो लोग तो भाई ऐसे भागे यहाँ से, ओनर को बताया भी नहीं, रूम रेंट भी नहीं मिला ओनर को, ओनर बोल रहा बिना चावी लगाए ऐसे कौंडी भाग के अपना सामान लेके रातें रात भाग गए वो लोग, रातें रात केला भी वैसे लटका पड़ा हुआ है वो, ऊपर तो हाँ खाने के लिए केला खाने लटका के लिए है। केला वगैरह लाया हुआ ना ऐसे ही छोड़ा पड़ा है, कुछ भी अपना सामान के अलावा बैग वगैरह के अलावा उन लोगों ने कोई चीज नहीं लिया है, सब छोड़ भाग गया वो लोग ऐसे रूम ना। तो भाई कोई भी अपनी जान पे आए तो डरा है इसलिए भाग गया है, मैं भी उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते है ना। सो गाइस यही है, मे भी अभी आपको अच्छा लगे, अब लोग बहुत बोल रहे थे बनाओ बनाओ बनाओ, तो ये रियल स्टोरी है अभी जो अभी भी हो रहा है हमारे साथ में, नीचे किराएदारों के साथ हो रहा है ये, ठीक है। अब इसके लिए अंकल को मैंने बोला तो है, अब अंकल ने बोला देखता हूँ बेटा मैं, तो अब मेरे को तो उतना गुरुजी पता नहीं है जिनको मैं पूजा के लिए बुलाऊँ, फिर भी मैं देखती हूँ हमारे लामा जी से बात करूँ तो उन लोग पूजा कुछ करेंगे तो अच्छी बात है, मैं अंकल से उनसे बात करा दूंगी, हो गया तो अंकल बोल रहे मैं बेटा मैं क्या करूं बेटा, क्योंकि उनको तो किराएदार चाहिए चाहिए, घर खाली पड़ा तो उनको नुकसान है ना, उनका भी बहुत अंकल का भी बहुत तकलीफ है इसलिए। ओके सो गाइस ये रियल है, कोई भी स्टोरी नहीं है ये रियल है, सो यही है, आई होप आप लोग अच्छे, बहुत लंबा हो गया इसलिए मैं नहीं बनाती थी। ओके देन बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। ऐसे जाती है देखो तो, क्या हो गया, खतरनाक गुर्गे देखती है भैंस के। अरे क्या हो गया, क्यों आती है यहाँ पे, हाँ क्या चाहिए, ऐसे आती है या आता है आके क्यों घूरती है मेरे को, हाँ आजा आजा आजा। ओए क्या चाहिए तेरे को, हाँ टस से मस नहीं हो रही वो, डरती ही नहीं देखो तो, खतरनाक है यार ये।